राम राम भाई साहब। राम राम संदीप भाई साहब, राम राम। और YouTube चैनल सभी देखने वाले भाइयों को भी मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम जी। धन्यवाद जी। तो भाई साहब अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस शेयर करें जी। मेरा नाम है जी मंजीत योगी और जी। अपनी डेयरी फार्म का नाम है हरियाणा डेयरी फार्म जी। और गांव अपना है नाथावाली, जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान, जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे है जी। 5 से 6 किलोमीटर। तो दोस्तों कई भाइयों का कमेंट आते हैं भाई साहब कि श्री गंगानगर राजस्थान में भाई साहब रहते हैं और इनकी डेयरी फार्म का नाम है हरियाणा डेयरी फार्म। हाँ जी, हाँ जी। तो उन भाइयों को बता देता हूँ कि भाई साहब पहले हरियाणा में रहते थे। हाँ जी, हमारा जो गांव है वो हरियाणा का है जी। हमारे पिताजी यहाँ के बसे हुए हैं जी। हरियाणा में कौन सा काम था आपका जी? हमारा है चरखी दादरी के पास है, पाली खुदाना जी। पाली खुदाना। हाँ, खुदाना जी। जी जी। हाँ जी। और श्री गंगानगर आए को आपको कितने वर्ष हो चुके हैं? हमारे पिताजी को लमसम जी 40 साल हो गए जी। 40 साल हो गए। हाँ जी। तो इसलिए शुरुआत से ही वही। हाँ जी, बस हरियाणा के रहने वाले थे तो डेयरी फार्म का नाम हरियाणा डेयरी फार्म, लोग पिताजी को हरियाणा हरियाणा बोलते थे जी। तो डेयरी का फार्म का नाम हमने हरियाणा डेयरी फार्म रखा। और शुरुआत में श्री गंगानगर से मशहूरी इसी नाम से है जी। जी जी। तो भाई साहब कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना जी। 90792 90784 और एक नंबर हो रहा है 97831 10154। तो ये दोनों नंबर व्यूअर्स आपको नीचे स्क्रीन पर भी मेंशन होंगे। तो आप सभी भाई जानते ही हैं भाई साहब की वीडियो लगभग 10 या 15 दिनों में आती रहती है। एक वीडियो पीछे वीडियो लगी थी जी, बैस अथवा सेल होगी थी जी। जी और जी। कस्टमर भी बहुत आए थे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, भाइयों का प्यार मिला जी। जी। और बड़े अच्छे कस्टमर आए थे, पैसे भी लेके गए। लमसम हो चुके हैं, साल के समथिंग हो गए चैनल से अपने जुड़े हुए। हाँ जी, 1 साल हो जाएगा। जी जी जी। तो आज की वीडियो में कितनी भैंस है जी? 4 भैंस और 1 गाय दिखाएंगे जी। कच्चे बच्चे की कितनी है जी? कच्चे बच्चे की 2 भैंस है जी और 2 थोड़ी 3-3 महीने की ब्याई हुए हैं। तो कच्चे बच्चे की मैंने इसलिए पूछा है कि अब फरवरी चल पड़ी है जी। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा ब्याज कम हो जाता है, ब्याज मिलती है। हाँ जी, ब्याज कम हो जाता है। तो कई भाई यहाँ पर आने के बाद में बोल देते हैं कि बच्चे बिक रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि भैंसों का रेट भी उस हिसाब से 10-15 हजार रुपया आगे से तेज है जी। तेज है। हाँ जी। तो आज 2 कच्चे बच्चे की है। हाँ जी, हाँ जी। और 2-3 महीने की ब्याई हुई है जी। 3-3 महीने की, जो आगे 1.5-1.5 महीने की प्रेग्नेंट हुई है जी। 2 बाखड़ी क्या बन। हाँ जी, बाखड़ी क्या बन भी है। तो इन सभी की प्रॉपर डिटेल सेल करते हैं जी। जरूर। तो भाई साहब सबसे पहले एक नंबर पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, खोल कर चलाना जी इसको। तो दोस्तों सबसे पहले एक नंबर पर ये जोटी आपको खोल कर चलाकर दिखाते हैं। हाइट वेट आपके सामने है, बिल्कुल छोटे गोल्ड रिंग सिंह की जोटी है दोस्तों, ये देख सकते हैं। फेस है संदीप जी। जी, फेस की क्वालिटी बहुत शानदार है। हाइट वेट दोस्तों आपको चलाकर दिखाई जा रही है, आपके सामने है। तो मंजीत भाई साहब कौन से ब्यात में है जी? फर्स्ट ब्यात में है जी। अच्छा और जी, 3 महीने की ब्याई हुई है, पीछे इसके फीमेल काफ है कटिया, और ये जी 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है अभी। 11 लीटर इसके नीचे ठंडा दूध है जी। 11 लीटर पर डे का दूध है। हाँ जी, फर्स्ट ब्यांत में 3 महीने की ब्याई हुई है। हाँ जी, 1.5 महीने की प्रेग्नेंट और 1.5 महीने की आगे की ग्याबण है। हाँ जी। तो दोस्तों बाखड़ी ग्याबण आपके सामने है, जोटी काफी शानदार है, हाइट वेट की बहुत अच्छी है, पीठ पुठा वजन भी जोटी का काफी शानदार है, बिल्कुल ब्रीक पतली चमड़ी में है, मुर्रा के अंदर है जोटी। ब्रीड की बात करें तो देख सकते हैं। नहीं, कोई भाई लेगा तो अगली साल 1.5 लाख की जोटी है जी। अच्छा जी, सफाई बहुत है जोटी में जी, और चुआई चुई की भी बहुत अच्छी है, हर एक पासे सफाई सफाई है जी इसमें। थनों की बनावट अटर बहुत सुंदर है। हाँ जी, और कोई भी ऐसे मतलब जैसे कई भाई बोल देते हैं पाखी दिबारी है और दिबारी है, वो सिस्टम नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी है, बिल्कुल साफ सुथरी है। बाखड़ी की अपन साथ में। हाँ जी, बहुत भाई डिमांड करते हैं जी। नहीं, अच्छी जोटी है, पालने के दूध का दूध है जी, आगे धन का डबल हो जाएगा जी, एफडी है इसमें। कटिया भी पीछे डबल लाटरी है जी, डबल लाटरी है पीछे भी कटरी है। तो भाई जी एक मिनट, जोटी को यहीं रोकना जी। हाँ, यहीं रोक लो। तो दोस्तों ये इसके पीछे फीमेल का आप कटरी है दोस्त, देख सकते हैं ये गंगानगर की निशानी आ गई जी। हाँ जी, नीली का भी क्रॉस आ गया। हाँ, माथे में टिक्का। हाँ जी, गंगानगर की निशानी आ गई है। 3 महीने की ब्याई आप बता रहे हो। हाँ जी। दूध कितना है जेन्युइन सही जी? इसके 11 लीटर ठंडा दूध है जी। दूध में आपने ना तो झूठ बोला, बढ़िया। हम तो कहते हैं आओ अपना देख परख के लेके जाओ। अगर हम यहाँ 11 बता रहे हैं, भाई कोई आ गया ये 3 किलो निकालेगी तो हमें 2 बातें सुना के उड़ जाएगा, इसलिए जितना है उतना ही बताते हैं। दूध उतना ही बताना चाहिए जी। जी जी, नफा है, आप मजदूरी के लिए लेके आते हो, 2 रुपए मजदूरी। हाँ जी संदीप जी, देखो हम बाजार से 10-15 हजार रुपए बंदा ही पशु देते हैं जी, ताकि हमें आते ही 2-3 हजार रुपए बन जाए, अगले किसान भाई किसी को पशु पहुंचे। अच्छा जी, तो भाई साहब प्राइस इसका
इसका प्राइस है जी 70,000 रुपए घर पहुंच करवा देंगे। 70,000 रुपए में घर पहुंच कराएंगे जी। अब की 700 किलोमीटर सब भाइयों के लिए ऑफर है, 700 किलोमीटर तक घर पहुंच होगी जी 70,000 रुपए में। एमपी का बॉर्डर आ गया जी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है जी, एमपी के हम तो इसको महाराष्ट्र भेज देंगे। नहीं जैसे 700 किलोमीटर जैसे आप बता रहे हो, 700 किलोमीटर तक अगला कोई भी मंगाए तो हम उसको इस 70,000 रुपए में इसको घर पहुंच करवाएंगे जी। 700 किलोमीटर कोई भी भाई कहीं से भी देख रहा है गूगल मैप पर पहले लोकेशन देखे, अगर 700 किलोमीटर तक उसकी दूरी है जी तो उसको सिर्फ 70,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा। घर पहुंच होगी उसके। और यहाँ का प्राइस देगा तो जी हम 65,000 रुपए लेंगे। 65,000 रुपए हाँ जी। तो जैसे कई भाई बोल देते हैं कि भाई साहब वीडियो में तो मतलब इतने किलोमीटर बता देते हैं और मतलब 5,000 ही कम करते हैं, जैसे 70 मांगा 5,000 रुपए। तो और यहाँ पर अगर हम वैसे भैंस बाहर से लेते हैं तो बोलते हैं कि भाड़ा लमसम आपका 500 किलोमीटर दायरे के अंदर 7,000 रुपए बैठेगा, 6,000 रुपए बैठेगा, ये क्या कारण है जी, ये थोड़ा समझाए। देखो पिकअप में मैं भैंस बेचता हूँ, हमारे पास कस्टमर आए भी रहते हैं जी। तो कैसे जैसे मान लो चार किसी भाई ने भैंस ली है जी, और ये भाई किसी ने भैंस ले ली मेरी एमपी के ग्राहक ने जी, ठीक है, तो मेरे पास चार भैंस के ग्राहक और एमपी के आए हुए हैं जी, तो ये 5 उसी गाड़ी में पहुंच जाती है जी उनके घर पे। तो ये सिस्टम होता है ग्राहक आए रहते हैं कोई ना कोई, तो उनके साथ पशु के उनके घर पे पहुंचा देते हैं, उस हिसाब से बाड़ा रीजनेबल हो जाता है। और वैसे आप भाई कहते 700 किलोमीटर में एक भैंस कैसे मंगाएंगे, तो वो भाई की टेंशन खत्म हो जाती है। और एक ही अकेली लेके जाए तो सीधी मंगवाए तो पिकअप में तो इसका मुझे लगता है कम से कम 15-16 हजार भाड़ा लगेगा। हाँ जी, वो अकेले को टेंशन नहीं है जी, जी। पिकअप में ही अगला कहेगा तो भेज देंगे जी जी, तो जी। तो हम 700 किलोमीटर तक 70,000 रुपए इसका बयाना लेंगे घर पहुंच। हाँ जी, तो बिल्कुल रिजनेबल ही प्राइस कहूंगा दोस्तों, आपके सामने है, आप भी कटड़ी पीछे भी कटड़ी और मात्र 65,000 रुपए यहाँ का प्राइस। हाँ जी, इससे कम नहीं होगा। अगर कोई भाई आके यहाँ बार्गेनिंग करे, जैसे पहले आए थे मिल्किंग कर ली, उसके बाद कहते सही बताओ कितने की देनी है, तो भाई साहब ये ही रेट है, आओ बयाना मत लगाओ भलाई, आके तब दूध देखो जब आपको रेट में पसंद है जी जी। अगर नहीं रेट में पसंद तो आप दूध मत देखो, अगर रेट में पसंद है दूध देखो, अगले को पैसे गिनाओ दूध पहले, फाइनल बात कर। हाँ जी जी जी, फिर चुवाई देखो, डेढ़ वाली 65 में होगी सीधी। हाँ जी ठीक है, इससे आगे दूसरे नंबर पर भाई साहब ये सेकंड ब्याज की जोटी है संदीप जी, सेकंड ब्याज में और मेल काफ इसके पीछे 12-13 दिन की ब्याई है जी, पीट पुटा बहुत अच्छा है, अच्छी जोटी है जी, सारे पशु आपके मेरे बहुत शानदार छांट के लेके आए, साफ सुथरी अडर क्वालिटी सभी भैंसों की बहुत अच्छी है, तो मैं इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, मैं पशु जी छांट के लेके आया। तो दोस्तों ये भी आपके सामने है, चलाकर दिखाई जा रही है, अडर क्वालिटी इसकी भी आप देख सकते हैं, चारों थनों के बीच में आप गैप भी देख सकते हैं, और पीठ पुठे की बात करें हाइट वेट बहुत ही शानदार है। ब्यांत इसका सेकंड ब्यांत है जी, दूसरा ब्यांत है। हाँ जी, दूसरे ब्यांत में कितने दिन की ब्याई हो चुकी है? 12-13 दिन की ब्याई है जी, मेल का बच्चे के लिए जा रही है जी, कोई बात जी जी कोई नहीं, बच्चे पर ले जाओ चलाकर अपने दिखाई दे। दूसरे ब्यांत में आज 12-13 दिन की ब्याई है। निकालने वाला दूध इसके जी 14 लीटर दूध है संदीप जी, 14 लीटर बच्चा दिखा देना भाई साहब थोड़ा, इस जोटी को इधर कर दो जी, जी बच्चा इधर दिखा देना, ये बच्चा दोस्तों 13-14 दिन की बताई ना, 13-14 दिन की है, 13-14 दिन की है, कोई बात नहीं आ जाओ जी, जी जी दिख गया जी, 13-14 दिन की ब्याई है और अडर आपके सामने है। इस जोटी में खूबी और है संदीप जी जी, इसके अगर पीछे वाले थनों में 3.5 किलो दूध निकल रहा तो आगे वाले में भी 3.5 ही है, अगाड़ी पिछाड़ी दोनों बराबर है जी, 14 किलो दूध है तो 3.5 किलो पीछे में निकलेगा तो 3.5 किलो आगे वाले थनों में है, बराबर है जी इसके, अगाड़ी पिछाड़ी दोनों बराबर है। अभी दूध तो मेरे को लग रहा है मेले से चलेगी, तो कम से कम हमारे आइडिया में से जिस हिसाब से मेरे पास 3 दिन पहले आई है जी, तो ये 10 to 10 प्लस हो रही है दूध में। अच्छा जी, तो ये कोई 1-2 लीटर और भी बता सकती है जी, अभी मौके का 14 लीटर दूध तैयार है जी, 14 बिल्कुल तैयार है। रेट भाई साहब, रेट इसका जी 88,000 रुपए घर पहुंचे जी, 88,000 रुपए। हाँ जी, 88,000। हाँ जी, ये फिक्स ही प्राइस है सभी के है जी, जी इसमें बार्गेनिंग नहीं होगी, क्यों कंपटीशन का टाइम है, ज्यादा मांग ले ग्राहक कहेगा यार महंगी लग रही है, तो इतना ही मांगो ना जितना अगला देश के। जी जी बिल्कुल, 2 रुपए मजदूरी वाले रेट है, ऐसी है जी, छोटे रेट है जी, भैंस साफ सुथरी, भैंस बड़ी है। हाँ जी हाँ जी, रेट जरूर छोटे है लेकिन भैंस ऐसी बाजार में खड़ी हो तो इसके लोग मांग लेंगे 1-15 जी, आप तो सारा दिन मार्केट में जाते हो जी, लेकिन जी। हम तो जितना लेना उतना ही, नहीं जायज तो जायज ही रहेगा जी, अगर जायज है तो जायज ही। तीसरे नंबर पर जी भाई साहब, ये कई भाई जैसे डेयरी वाले भाई बोल देते हैं खोले टाइप जी, खोला जरूर है लेकिन इसके जो ऑर्डर लगाया अमेरिकन गाय को फेल करता है जी। अच्छा जी। हाँ जी, दूध निकालेगी हमारे आइडिया में से 8.5 प्लस,
आठ के लमसम दूध बढ़िया खुले से 16 लीटर वाली है। मैं कहूँ बहुत अच्छे जंगल की है जी। हाइट वेट में छोटी जरूर है पर दूध वाली भैंस है ये। आपकी 3 ही दिन की गाय है जी। अच्छा जी। इसके नीचे फीमेल काफ है, बिल्कुल ब्रीक पतली चमड़ी की है। बहुत अच्छे जंगल की है, दूध भी लंबे टाइम देने वाली है, फुल क्वालिटी है भैंस में। नस्ल बहुत है ना, राजस्थान की प्योर नस्ल है जी। जी जी। तो दोस्तों तीसरा ब्यांत ना। हाँ जी तीसरा ब्यांत। तीसरे ब्यांत में बिल्कुल ताजा ब्याई है और ऑर्डर क्वालिटी चारों थनों के बीच में आप गैप भी देख सकते हैं, आगे पीछे की पूरी लेवटी है। हाँ जी, जी लेवटी तो ऐसी है 1.5 लाख वाली लेवटी लगी है भैंस के नीचे तो। जी जी, जो आपने शुरुआत में बता दिया कि एचएफ गाय की होती है, एचएफ जर्सी जो गाय होती है उनको देखने को मिलती है और बिल्कुल कच्चे बच्चे की। जी जी, बिल्कुल कच्चे बच्चे की है। तो ये तो जैसे आगे भैंसों का ब्यांत पूरा हो जाएगा, मतलब ब्यांत आगे खुल जाएगा, मतलब उस समय तक लंबे समय दूध देने वाली है। सर जी इसका जो भाव सुनोगे ना जी, मान लो आज 1.5 लाख की भैंस लेके जाएगा ना, उसके बराबर में अगर इसकी टक्कर कर लेगा ना दूध की जी, तो सर जी ये उसको पीट देगी। अच्छा जी। उस बड़ी भैंस को ये भैंस दूध में पीट देगी, भले कोई कहते ना 2 लाख की भैंस लेके जा रहा हूँ जी, इसके बराबर दूध नहीं निकाल सकेगी इस भैंस इतना। जी जी, कुछ खासियत होती है जी। हाँ जी, तभी लगी है बहुत जबरदस्त, 400 पशुओं 500 पशुओं में चुआई बहुत अच्छी है, चो के लाता हूँ, बढ़िया नरम धार होती है, वो भैंस लेके आता हूँ। धार पाँव उसकी 1 नंबर मिलेगी। 1 नंबर की लेके आता हूँ जी। कब की ब्याई है ये? आज इसको चौथा रोज है जी। 4 दिन की। पीछे इसके फीमेल काफ है, पीछे कटड़ी है। हाँ जी। 4 दिन की ब्याई। हाँ जी। और रेट भाई साहब? रेट इसका 76,000 रुपए घर पहुंचे जी। 76,000 रुपए? हाँ जी, मात्र 76,000। लोग बाकड़ी बेच रहे हैं, हम सज्जर दे रहे हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी, आज बाखड़ी के मोल में सज्जर है, सज्जर दे रहे हैं जी। और अभी कितना दूध है जो अगर कोई भाई देखना चाहे इसकी मिल्किंग? इसके लमसम मेरे आइडिया में से 11-12 लीटर अभी खीस होएगा, 10 प्लस। हाँ, क्यों मैं निकाल रहा हूँ ना, कल शाम को भी बाल्टी भर के निकाला था, सुबह भी, तो इसके 11-12 लीटर कच्चा दूध अभी तैयार है। भैंस 16 प्लस ऊपर ही जाएगी जी जब मेला वगैरह छांटेगी। हाँ, आज से 10 दिन के बाद। हाँ जी जी। इससे आगे भाई साहब, तो इससे आगे दोस्तों ये भी हाइट वेट की काफी अच्छी भैंस है, इसको भी आपको खोलकर चलाकर दिखा रहे हैं भाई साहब। के फार्म पर हर टाइम मीडियम प्राइस रेंज की भैंसे रहती है? नहीं जी, रेट तो देखो जी, हम छोटी कमाई करने वाले आदमी है संदीप जी जी, और रेट तो यही, दूसरी डेयरी में चले जाए ऐसी भैंसों के ज्यादा मांग लेते हैं। अब लोग इनको देख के आते हैं, सोचते ऐसी हर डेयरी में मिल जाएगी, तो कोई नहीं देता जी इस रूप में। अच्छा जी, ये तो हम उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है जी, काम चलना चाहिए। हाँ जी, आई चलाई चलती रहे, इनको बांध के क्या करेंगे। जी जी, ये सेकंड ब्यात में संदीप जी जी, और दूध इसके अभी 14 लीटर तैयार है जी। 14 लीटर दूध तैयार है। हाँ जी। कब की ब्याई है ये? हो गया जी 2.5 महीने की ब्याई है। अच्छा, ये लमसम 1.5 महीने के अंदर 51 है, प्रेग्नेंट है। 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है? हाँ जी। 2.5 महीने की ब्याई हुई है, तीसरे ब्यात में प्रेग्नेंट होगी फिर? तीसरे, सेकंड ब्यात में अब ब्याई हुई है, तीसरे ब्यात में प्रेग्नेंट, तीसरे में आगे की 51 है। फुल हाइट लेंथ है, बहुत वजनदार जुटी है जी, साफ सुथरी बहुत है जड़की। जी जी, दूध कितना है जी? दूध इसके अभी 14 लीटर तैयार है जी। 14 तैयार है। हाँ जी। तो कई भाई जैसे डिमांड करते हैं, तो उन डिमांड पर आज लेके आए हो आप? हाँ जी, हर एक प्रकार का माल लेके आए हैं जी। जी जी, थोड़ा टाइम लग गया, 15-20 दिन में। ये बच्चा है जी? हाँ जी, ये इसके पीछे मेल काफ है जी, कटड़ा है। हाँ जी। पीछे कटड़ा है, दूध है इसके 14 लीटर तैयार है। 14 तैयारी का है, 14 की मिल्किंग चेक कर सकता है, कराएंगे बढ़िया कोई भाई। जी जी, और रेट भाई साहब? रेट इसका जी 80,000 रुपए घर पहुंचे जी। 80,000 रुपए? हाँ जी, घर पहुंच। हाँ जी, शुरुआत में बता दिया 700 किलोमीटर। हाँ, 700 किलोमीटर है जी, कोई बात से मुकरेंगे नहीं जी, बात की है उतने में अगला कोई भाई बयाना लगाएगा या आएगा तो हमारी इनका पहुंच है 700 किलोमीटर। अब कई भाई आते हैं, कई बाहर से पशु देखने को कहते हैं जी, और कहते हैं जी वो ट्रांसपोर्ट फ्री देंगे जी। ट्रांसपोर्ट कोई फ्री नहीं देता, ये वीडियो में इन भैंसों के ऊपर ही रेट लगता है जी, इसका एड करके बताया जाता है, करके बताते हैं। अगर कोई भाई आए तो 5,000 माइनस करके अपनी भैंस ले जा सकता है। समझदार बंदा तो पूछता ही नहीं है जी, पूछता ही नहीं जी, मजे लेने वाले तो पूछते ही है। उनको ये इतना भी सोचना चाहिए, अगर कोई बंदा बाहर से फील्ड में घूमकर 1,000 रुपए ब्रोकरी से अगर कोई भैंस दिला रहा है तो उसमें 700 किलोमीटर दायरे का 7-8 हजार रुपए का भाड़ा कहाँ से भर देगा। हाँ जी, सही बात। जी जी, और संदीप भाई आज एक साफ सुथरा पशुधन है जो गरीब भाई कोई घर दूध पीने के लायक ले रहा हो जी, तो अपने पास एक गाय है जो 3 या 4 रोज की ब्याई हुई है। अच्छा, ताजी ब्याई हुई है? ताजी ब्याई है जी, इसके पीछे मेल काफ है, क्रॉसपन की है ना? हाँ जी, क्रॉसपन में दोगले नस्ल में है। थोड़ी खोलना जी गाय को, क्रॉसपन की गाय जी। जी, इसके अभी 11 लीटर दूध तैयार है जी। 11 लीटर दूध? हाँ जी, और ये एक थन से 3 थन है जी, डैमेज है। हाँ, एक थन खराब है पीछे वाला। हाँ, पीछे वाला जिस साइड में। हाँ, समझ गया जी मैं, ये दिख रहा है जो आप पीछे जो जिस अनबाइनी साइड जिसे कह देते हैं,
तीन थन ओके है, एक खराब है जी। तो धार अगर कोई तो हम मार के अभी दिखा देते हैं आपको। जी जी, तो क्रॉस पन की है, वैसे शुद्धि बहुत है जी, तो एकदम अच्छी है। तो कोई घर पीने के लिए लेना चाहे जी, तो कम बजट का आदमी भी इसको ले सकता है। ले आओ जी भाई साहब, वापस घुमा ले आओ। चार पांच दिन की ब्याह है। हाँ जी, पीछे मेल का पीछे ये बछड़ा है। अच्छा जी, पीछे बछड़ा है। और रेट जी? रेट इसका 25,000 रुपए, घर पहुंच करवा देंगे जी। 25,000 रुपए? हाँ जी, घर पहुंच। दूध कितना दे देगी ये? दूध मेरे आइडिया में से 13 लीटर देना चाहिए जी इसमें। 12-13 लीटर खुला? अभी भी घर से आई है, जैसे जैसे खुराक खा रही है, 2-3 दिन पहले आई है जी, बढ़ी रही है जी। अभी तो मेला मुला होते हैं, अभी 4-5 दिन की बह के 11-1 लीटर दूध तैयार है, तो 13-14 लीटर दूध देना चाहिए जी। जी जी, तो दोस्तों आज की वीडियो में भाई साहब ने 5 पशु सेल के लिए अवेलेबल करवाई, जिसमें 4 भैंस और 1 गाय। सभी की आपको प्रॉपर जानकारी शेयर की गई है, बाकी नीचे स्क्रीन पर भाई साहब के नंबर शो हो रहे हैं। दूसरे नंबर दिए ना, वो छोटे भाई के हैं जी जी। अगर कुदरती मेरे से फोन अटेंड भी ना हो जी, तो उससे कॉल करके सारे पशुओं की जानकारी ले सकता है जी। जी जी, आप संपर्क कर सकते हैं, जैसे किसी भाई की संतुष्टि हो, चाहे ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले, वीडियो कॉल पर मिल्किंग चेक कर सकता है, यहाँ पर खुद आके भी देख सकता है। देखो सबसे बढ़िया तो आके ले, पशु भी दिख जाता है अभी कितना वजन है, अगले को ऐसे लग जाता है अभी मेरा पेटा भर रहा है, इतने रुपए का माल है जी, अगले जितने मांगे उतने रुपए का माल है जी। ठीक है, सबसे बढ़िया काम तो ये यहाँ आके ले लो जी। और जी अगर और ऑनलाइन मंगा सकता है, जैसे पहले मेरी 4 भैंस वीडियो लगी थी जी, तो वो चारों ऑनलाइन ही गई थी जी जी। ऑनलाइन जैसे वीडियो अपलोड लमसम ऑनलाइन ही जाती है? हाँ जी, ऑनलाइन दिखती है जी। जो साफ सुथरा पशु होता है उसको लोग 10 मिनट में खरीद लेते हैं जी जी जी। अब कई भाई बाद में कॉल करते हैं, कम से कम वीडियो लगने के 6 घंटे या 7 घंटे बाद जी, कब भाई साहब भैंस तो हम कहते हैं बिग्गी, तो वो सोचते होंगे क्या पता झूठ बोल रहे हैं जी जी। झूठ नहीं बोलते, अच्छे पशु तो 2 घंटे के अंदर वीडियो लगने के बाद बिक जाते हैं जी। जिसको पशु झूठता है वो हाथों हाथ पैसे लगवा देता है। अगर जिसको झूठ लगे तो नंबर दिए जा रहे हैं स्क्रीन पर, इंक्वायरियां करता रहता है, ऐसे है वैसे है, घर आके पैसे ले लो। देखो घर आने का हमारे पास टाइम नहीं है जी जी। हमारी ये भैंस सेल होगी तो हमें भैंस और भी लेनी पड़ती है, कोई भाई आता है तो उसको गाय भैंस और भी दिलवानी पड़ती है। अगर वो खुद 500 रुपए भाड़ा लगाकर यहाँ पर नहीं आ सकते जी, तो वो जो भैंस अपनी 60-70-80 हजार वाली मूर्ख थोड़ी है, वो अगर वहां पर ले जाएगा जी, कोई नहीं लेकर जाता है। ऐसे अगर भाई साहब गाड़ी से उतारने से पहले किराया ले लो, ऐसा कोई नहीं होगा जी जी। कोई चोरी नहीं है, कोई ठगी नहीं है जी। बढ़िया फर्म खोल रखी है, हरियाणा डेयरी फार्म के नाम से फर्म है जी। ठीक है, अगर कोई भाई 10 रुपए भी आपके गिरवाएगा, उसको भैंस पसंद नहीं है ना, तो वो 10 रुपए भी उसके रिटर्न कर दिए जाएंगे जी जी। ठीक है, और बढ़िया तसल्ली से जी करके पशु लो, पैसे लगवाओ, आपके घर पहुंचेगी। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि भाई साहब के पास हर टाइम भैंसे सेल के लिए अवेलेबल रहती है जी। अब आप आओ यहाँ पर आके देखो जी जी। और जो सही आप बता रहे हो, जैसे यहाँ पर ले जाओ तो घर पर कोई नहीं लेके आता, कोई नहीं पहुंचेगा जी घर पे लेके, वो तो मजे लेने वाले होते हैं। गाड़ी वाले का हाथ कोई नहीं बेचता ना, अगले गाड़ी वाले पैसे पूरे देते हैं। गाड़ी वाले तो ट्रांसपोर्ट से गाड़ी जाती है जी, अब वो यूपी गया, वहां से उसको वापसी कहीं की कन्याकुमारी की मिलेगी तो वहां चला जाएगा वो, काम थोड़ा बिना पैसे बैठे रहेंगे जी जी जी। हमें तो भैंस और लेके आनी पड़ती है अगले दिन ही। जो दोस्तों वीडियो में बात होती है क्लियर स्पष्ट होती है, हम दावा नहीं करते, आप खुद यहाँ पर आए, आने के बाद में अपनी भैंस देख पर का संतुष्टि परचेज करके लेके जाए, सही है भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है, देख के ले दो, बढ़िया अच्छे सारे चारों के चारों पांचों पशु बढ़िया रेट में है, बढ़िया दूध वाले पशु हैं, चुवाई के पाउस के सब एक नंबर है जी जी जी। कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई भाई ले जाएगा तो याद करेगा, इस रूप के अंदर इतने रुपए में कोई भैंस नहीं देता कहीं भी जी जी। आप भी सारे दिन बाजार में संदीप घूम रहे हैं जी, जनवरी पूरी जनवरी हो गई घूमते, आज रियल में ऐसे रेट सुने हैं जी, सुने है ना? नहीं तो लाख से सुनने को बंद ही हो गई, ये लाख से ऊपर ही है जी। जी तो ये बहुत बढ़िया रेट की वैसे हैं, वजनदार वैसे हैं जी जी, कोई हल्का माल नहीं है, ऐसे मत सोचना भी 80-85 मांग रहा है तो हल्का माल है भैंस, यही दूसरे वाले 1.25 लाख मांग लेते हैं, लेकिन हमें तो 2-3 हजार रुपए मजदूरी चाहिए जी। बड़ी भैंसों के तो ताजी ब्याई भैंसों के तो बच्चे बिक रहे हैं। हाँ जी, बच्चे बिक रहे हैं जी जी। अब ये भैंस है तो ये 15-16 किलो दूध निकालेगी, सारी गर्मी दूध देगी, 1.5 लाख वाली इसके आगे क्या करेगी। हाँ तभी तो जैसे कह रहे हैं कि ये भैंस जैसे है तो पूरी गर्मी पूरा ब्यांत आगे, मतलब जैसे बोल देते हैं सावन भादो में ब्यांत खुल जाता है तो उस समय ये भैंस उत्तर बाखड़ी बिक जाएगी जी जी। तो दोस्तों सभी भाइयों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।